स्वागत है आपका कैड कैम सी ए लर्निंग सोल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी ए लर्निंग सोल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। ओके, सो आज हम थर्मल एनालिसिस में ही थर्मल एंड स्टैटिक में थर्मल एक्सपांशन का एक एग्जांपल देखेंगे एंड अगेन स्टैटिक में कुछ अलग कंडीशंस होता है, बाउंड्री कंडीशंस, उसका एनालिसिस भी चेक करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टैटिक स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टैटिक स्ट्रक्चरल, देन ज्योमेट्री, यूनिट्स मिलीमीटर, एंड यहाँ पे मुझे फॉर एग्जाम्पल एक कॉइल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ओके, जैसे कॉइल्स होता है, सो फर्स्ट प्लेन में सिंपल में पॉली लाइन से कॉइल्स का शेप क्रिएट कर रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल एंड ओपन एंड। ओके, सो ये मेरा गाइड कर्व हो गया। अब मुझे स्वीप यूज करना है। ओके, सो इसका स्टार्ट पॉइंट अगर यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे स्केच होना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्केच होगा या फिर जेड एक्स प्लेन पे। नाउ यहाँ पे देखो, जेड एक्स प्लेन पे होना चाहिए क्योंकि एक्स वाई प्लेन ये वर्टिकल है। सो मुझे हॉरिजॉन्टल स्केच क्रिएट करना है। सो जेड एक्स प्लेन लुक एट लेट एंड यहाँ पे एक मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल सर्कल, इसे डायमेंशन अप्लाई कर रहा हूं, डायमेंशंस एंड 4 मिलीमीटर। ओके, अब हम लोग पहले स्केच चेक करेंगे दोनों भी। ये आपका गाइड कर्व होगा एंड ये आपका प्रोफाइल होगा। ऑलराइट, सो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। नाउ स्वीप, प्रोफाइल में आपका सर्कल आएगा मींस स्केच टू, पाथ में जो स्केच वन है उसे सिलेक्ट करके apply and generate। okay, so ऐसे simple basic जो coil structure होता है वो create किया। first sketch में मैंने polyline से simple lines draw किए and second sketch में यहाँ पे circle draw किया। alright, now model, मैश, जनरेट मैश। ओके, सो बेसिक स्ट्रक्चर्ड मैशिंग अप्लाई हो जाएगा स्वीप मेथड, क्योंकि पार्ट ही हमने स्वीप से क्रिएट किया है। इसे अगर फाइन वगैरह आपको करना है, सिंपली यहां से आप ग्लोबल पैरामीटर्स का यूज करके फाइन कर सकते हो। ओके, स्ट्रक्चर्ड मैशिंग है, सो ज्यादा कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट अब देखो स्टैटिक स्ट्रक्चरल में सपोर्ट में पहले हम लोग फिक्स सपोर्ट अप्लाई करते थे। ऑलराइट, नेक्स्ट अब देखो यहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर रहा हूं। ऑलराइट, सो डिस्प्लेसमेंट एक फेस को मैंने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये फेस। ओके, एंड अप्लाई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फॉर यहां पे देखो इस फेस को एक्स वाई जेड कंपोनेंट आ जाएगा। ओके, अभी फ्री है मींस ये फेस तीनों डायरेक्शन में फ्रीली मूव हो सकता है। अगर कोई फोर्स या फिर कुछ अप्लाई करे तो ये फ्रीली मूव हो सकता है। अब ये जो x डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में कॉइल है, वो मुझे मूवमेंट इसका स्टॉप करना है। सो यहाँ पे आप सिंपली जीरो अप्लाई कर सकते हो, मींस अब ये x डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। अगर कोई कंडीशन आप अप्लाई करते हो लोड फोर्स, तो यहाँ पे ये yz डायरेक्शन में मूव हो सकता है। ओके, बट मैंने ओनली एक फेस का x डायरेक्शन लॉक किया है, मींस x डायरेक्शन में ये मूव नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, अब तक हमने स्टैटिक के जो लोड है, स्ट्रक्चरल लोड्स, उनका यूज किया था। ओके, जैसे फोर्स, प्रेशर, मोमेंट। अब देखो यहाँ पे एक थर्मल कंडीशन भी होता है। जैसे थर्मल एनालिसिस में हम लोग टेम्परेचर ऐड करते हैं, राइट, हीट फ्लक्स ऐड करते हैं, वैसे अगर आप स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हो
एंड यहाँ पे आपको थर्मल कंडीशन ऐड करना है, मीन्स आपका जो पार्ट होगा या फिर असेंबली होगा उसमें ऑलरेडी जो फॉर एग्जाम्पल रूम टेम्परेचर या फिर ये जो बाउंडिंग बॉक्स रहेगा इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल 22 डिग्री से ज्यादा है आपके एनवायरमेंट टेम्परेचर से। सो आप सिंपली इसे सिलेक्ट कर सकते हो, थर्मल कंडीशन बॉडी को सिलेक्ट कीजिए एंड अप्लाई। अब देखो बाय डिफॉल्ट 22 आ गया, यहां पे मुझे 200 डिग्री अप्लाई करना है। ओके मींस ये जो पार्ट है इसका जो आउटर टेम्परेचर रहेगा ये 200 डिग्रीज का रहेगा। ऑलराइट एंड सिंपली इसे सॉल्व कर दीजिए, और कोई कंडीशन में यहां पे अप्लाई नहीं कर रहा। नाउ रिजल्ट्स में हमें चेक करना है डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेसेस। अब देखो यहां पे हमने कोई स्ट्रक्चरल लोड अप्लाई नहीं किया, ओनली थर्मल लोड अप्लाई किया, मींस थर्मल कंडीशन एक टेम्परेचर दिया। सो ये क्या शो करेगा कि फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर की वजह से ओनली अगर किसी भी मेटल को आप हीट करोगे, राइट, सो बेसिकली कुछ टेम्परेचर के बाद या कुछ डिग्रीज के बाद वो एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाता है। ओके एकदम कम होगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू जो है 0.1485 मिलीमीटर का है, राइट, बट इसे 28 टाइम स्केल करने के बाद आपको इसे पता चलेगा। ओके एंड हमने इसे एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करने से रोका है इसलिए ये ऐसे एक्सपांड होते शो कर रहा है। अगर आप ट्रू स्केल पे चेक करोगे सो ट्रू स्केल पे एकदम निग्लिजिबल आप यहाँ पे देख सकते हो, इस डायरेक्शन में ये ऐसे एक्सपांड हो रहा है, राइट, यहाँ आप इसे देख सकते हो। ओके अब सिंगल की जगह पे मैं दोनों फेसेस पे इसका डिस्प्लेसमेंट स्टॉप कर रहा हूं, फिर जाके आपको एग्जैक्ट इसका एक्सपांशन पता चलेगा। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हमने अप्लाई किया है यहां पे। ओके सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इस फेस को सिलेक्ट करके मैं अप्लाई कर रहा हूं एंड इस फेस का भी मैं एक्स कंपोनेंट यहां पे जीरो कर दिया। ऑलराइट एंड अगेन सॉल्व। ओके एंड टोटल डिफॉर्मेशन। अब अगर आप इसे स्केल करोगे, थोड़ा सा और स्केल कर रहा हूं मैं, तो आपको पता चलेगा कि इंटरनल हीट या फिर जो बाउंड्री कंडीशंस में हीट हम लोग थर्मल कंडीशन ऐड करेंगे उससे उस मेटल पार्ट का ऐसे एक्सपांशन हो सकता है। ओके एंड वो एक्सपांशन आपके सपोर्ट्स पे डिपेंड रहेगा, मीन्स आप कौन से डायरेक्शन में इसका मूवमेंट स्टॉप कर रहे हो बाकी डायरेक्शन में ऐसे ये मूव हो सकता है। ओके अगेन थोड़ा सा कम करके भी आप चेक कर सकते हो एंड अब देखो 0.10 मिलीमीटर्स का एक्सपांशन है, मींस एकदम निग्लिजिबल है, बट हीट की वजह से भी आपका एक्सपांशन हो सकता है, मूवमेंट चेंज हो सकता है एंड स्ट्रेसेस एंड आपके डिफॉर्मेशन के रिजल्ट में चेंजेस आ सकता है। सो अगर आप नॉर्मली इवन स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर रहे हो, बाकी आपने लोड फोर्स वगैरह अप्लाई किया है, बट अगर थर्मल कंडीशन है वहां पे सो यहां से आप अप्लाई कर सकते हो। ओके सो बेसिक यहां से एक थर्मल कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो, मीन्स टेम्परेचर अप्लाई कर सकते हो। अगेन टेम्परेचर अगर आपने चेंज किया 300 डिग्रीज तो आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। ओके 0.10 था, अब 1.7 हो गया, मीन्स थोड़ा सा आपका डिफॉर्मेशन भी इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि ज्यादा एक्सपांड हो रहा है वो। ओके सो ये जो एनालिसिस है हमने स्ट्रक्चरल में ही किया, बट इसे थर्मल एक्सपांशन एनालिसिस कहा जाता है।